देवभोग में आज रामनवमी को तिथि को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। नौ दंपत्ति जोड़े कर्ता के रूप में पूजन में शामिल हुए। निर्माण स्थल पर अयोध्या की मिट्टी रखा गया। पंडित भोला प्रसाद द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया गया। मंदिर जिस कोष्टमुड़ा तालाब के तट पर निर्माण होगा, उस तालाब का नाम भी बदलकर जानकी कुंड रखा गया। सार्वजनिक रूप से सनातनियों के आपसी सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया। मंदिर निर्माण में देवभोग ब्लॉक के समस्त राम भक्त बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं। निर्माण की रूपरेखा साल भर पहले ही सार्वजनिक मंच पर रखा गया था। महिला जागृति मंडल ने भी मंदिर निर्माण के लिए योगदान दे रही है। प्रति सप्ताह सुंदरकांड का पाठ कर धन संग्रहण कर रही है। जनपद अध्यक्ष नेहा सिंगल समेत महिला जनप्रतिनिधि भी राम काज में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, ताकि रामलला के मंदिर निर्माण की सहभागिता में कोई भी भक्त छूट न जाए। भूमि पूजन के बाद सभी भक्तों का निर्माण को लेकर उत्साह संचारित हुआ। राम भक्तों ने समाज से अपील कर निर्माण कार्य में अपने योगदान देकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है। अब बताइए किस तरह से महिला मंडल तैयार है और क्या अपील करते हैं? हम लोग पिछले एक साल से हमने महिला मंडल का तैयारी किया, जिसमें पहले 7 लोग थे और आज हम पूरे गांव में 40 से 50 महिला हर हफ्ते शनिवार को सुंदर कांड करते हैं और उसमें जितनी भी राशि होती है हम इस राम मंदिर निर्माण कार्य में हम लगाएंगे और ना ही सिर्फ उसकी राशि बल्कि हम खुद से भी स्वयं राशि लगा के राम मंदिर का निर्माण करेंगे और यह जल्द ही हमारा सपना पूरा होगा कि देवभोग में राम मंदिर बने और जानकी कुंड का भी सौंदर्यीकरण हो। इसलिए हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं आज रामनवमी के दिन में कि हमारा ये कार्य पूरी तरह से सफल हो। जय श्री राम। भी हमसे सहयोग होगा वो हम करेंगे इसके सौंदर्यीकरण के लिए और राम मंदिर निर्माण के लिए। और मैं सभी से अपील करती हूँ कि राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आए, तन मन धन से सहयोग करें और राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम। उत्तम वो था और क्या इसका भविष्य लगता है आपको? आज उत्तम तिथि बना है, निर्माण कैसा रहेगा इसका? नामकरण के लिए क्या सुझाव किया गया था, क्या आप नामकरण किए? बोलो लखन से रामचंद्र की जय। आज चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है, बुधवार दिन है और आज का बड़ा ही शुभ दिन अभिजीत मुहूर्त था। 11:36 से अभिजीत मुहूर्त में देवभोग के इस पावन धरा में, श्री जगन्नाथ ठाकुर जी की पावन धरा में श्री रामचंद्र मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया और उसके बगल में जस्ट एक कुंड है, एक तालाब है, जिनको जानकी कुंड के नाम से नामकरण किया गया। मैं निवेदन आशा और भगवान से प्रार्थना करूंगा, जितने भी आंचलिक के क्षेत्रवासी एवं श्रद्धालु भक्तवृंद होंगे, सुनिश्चित रूप से राम मंदिर के निर्माण हेतु अपना समय, योगदान, अर्थदान, सेवा और समर्पण भाव से इस कार्य में एकत्रित होकर के इस निर्माण कार्य को उन्नति प्रगति करने का आज बड़ा सुंदर मुहूर्त था और इस मुहूर्त में भूमि पूजन का शुभ आरंभ किया गया।